सो हे गाइज, कैसे हो सभी? आई होप सब मस्त होंगे। सो आज किस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आप 1 के सब्सक्राइबर एंड आपका 4 के हावर वॉच टाइम कैसे कंप्लीट कर सकते हो एकदम बहुत ही ज़्यादा जल्दी। दोस्तों आप लोग बहुत सारा कमेंट भी आ रहा था कि भाई हमारा 1 के सब्सक्राइबर नहीं हो रहा है एंड 4 के हावर वॉच टाइम कम्प्लीट ही नहीं हो रहा है। किसी का 1 के सब्सक्राइबर हो जाता है एंड किसी का 4 के हावर वॉच टाइम हो जाता है एंड 1 के सब्सक्राइबर नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप दोनों कैसे कंप्लीट कर सकते हैं एकदम जल्दी। तो यार वीडियो का एंड तक देखिए, एक भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आपको थोड़ी भी समझ में नहीं आ पाएगी, इसीलिए आप वीडियो के नीचे कमेंट में आप गंदा गंदा गालियां देने लगेंगे। तो यार प्लीज़ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो का एंड तक देख लीजिए। आपको आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और आज का लाइक हम रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखेंगे यार प्लीज़। मैं आशा करता हूँ कि आप करा देंगे 1500 लाइक, प्लीज़ यार मैं ऐसा करता हूँ 1500 लाइक हम आप पूरा करा देंगे। एंड चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह का मज़ेदार, नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेशनल कंटेंट मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको दादी कि शुरुआती में किस तरह का आप वीडियो डालेंगे कि आपका वीडियो चलेगा। तो दोस्त आपको दादी कि सभी कोई कहते हैं कि सर्चेबल टॉपिक पर वीडियो बनाइए। तो अगर आप सर्चेबल टॉपिक पर वीडियो बना भी देते हैं दोस्त, आपको दादी कि अगर आप अच्छे से वीडियो नहीं बना पा रहे तो आपका वीडियो चलेगा नहीं। तो दोस्त आपको दादी कि आप पहले अच्छे से वीडियो बनाने के सीखिए। पहले आपको पहले जो बेसिक बता रहा हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है? तो आपको बता दें कि पहले आप अच्छे से वीडियो बनाना सीख लीजिए, अच्छे से बोलने के सीख लीजिए एंड एडिटिंग सीख लीजिए एंड अपना जो लाइटिंग सेटअप है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, तभी आपका वीडियो वायरल हो पाएगा, तभी आपका सब्सक्राइबर भी बढ़ पाएंगे। पहला टिप्स, ओके? तो आप पहले अपना वीडियो बनाने का सीख लीजिए कि किस तरह आप वीडियो बनाएंगे कि आपका वीडियो वायरल हो एंड आपके चैनल पर सब्सक्राइबर एंड व्यू आए, ठीक है? तो दूसरा नंबर, तो दोस्त आपको बता दीजिए अगर आपका कोई वीडियो वायरल भी हो जाता है, तो कोई शुरू हो रहा है वीडियो वायरल, तो आपको बता दीजिए कि सभी कोई देखते हैं लाइक कितना है, डिसलाइक कितना है। तो दोस्त आपको बता दीजिए कि सबसे पहला आपको काम करना है, कोई आपका वीडियो वायरल नहीं हो रहा है एंड आपका व्यू नहीं आ रहा, सब्सक्राइबर नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा है आपका चैनल पर, तो सबसे पहले आपको सर्चेबल टॉपिक पर वीडियो बनाना ही है। एंड पहला काम आपको जो लाइक होता है एंड डिसलाइक उसको हाइड कर देना है। इससे आपका ये फायदा होगा कि उन लोगों को देखने का पता ही नहीं चलेगा कि कितना सब्सक्राइबर है इनके एंड कितने इनके लाइक है, कितने डिसलाइक है। और पहली बात, सब्सक्राइबर तो हाइड करना ही करना है। अगर जब तक आपका व्यू अच्छे से नहीं आए जब तक आपको सब्सक्राइबर हाइड करना है। 1K से 2K सब्सक्राइबर अगर आपके हो जाते हैं तो उसके बाद मिनिमम सबके अच्छे व्यू आने लगते हैं, लेकिन अब आपका नहीं आ रहा है अगर, तो सब्सक्राइबर हाइड कर लीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके व्यू पर, ठीक है? अगर आपका सब्सक्राइबर कम है एंड आपका व्यू थोड़ा ज़्यादा आ रहा है तो पहले सब्सक्राइबर कुछ दिन देखेंगे, इसका सब्सक्राइबर तो बढ़ ही नहीं रहा है, तो आपका सब्सक्राइबर चले जाएंगे, जो वीडियो देख रहे थे वो भी नहीं देखेंगे, ठीक है? तो पहली बात, अपना सब्सक्राइबर एंड जो आपका लाइक डिसलाइक है उसे हाइड कर दीजिएगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक, तो दोस्त आपको बता दी कि बहुत सारे लोग बताते हैं कि कमेंट से भी वीडियो रैंक करती है, ये बात सच है। तो दोस्त आपको बता दी कि बहुत सारे लोग कमेंट करने लगते हैं अपने वीडियो पर, अपने वीडियो का रीच बढ़ाने के लिए। तो दोस्त आपको बता दी कि ऐसी काम नहीं करनी है आपको। अगर आप अपने मोबाइल से बहुत सारा कमेंट कर देते हैं तो वो स्पैम में चला जाता है, यूट्यूब समझ जाता है कि भाई ये गलत काम कर रहा है, ठीक है? तो आप लोग से कहना चाहूँगा अपने मोबाइल से कमेंट मत कीजिएगा, दूसरे रिलेशन में के या फिर फ्रेंड के मोबाइल से आप कमेंट करवा दीजिएगा, ये भी 2-3, ओके? तो पूरा कमेंट करवाएंगे तो आप समझ सकते हैं स्पैम में चले जाएंगे, यूट्यूब समझ जाएगा कि भाई एक जरूर गलत कर रहा है बंदा, ठीक है? तो आपके चैनल मोनेटाइज होने में दिक्कत हो जाएगी। एक और आपको बात बता दें, जो कि अगर आप ये करते हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, 100% ये बात क्लियर है, ठीक है? तो दोस्त बात ये है कि अगर आप अपने थंबनेल में दूसरे यूट्यूबर का पिक अपने थंबनेल में लगा रहे हो उससे व्यू पाने के लिए, तो ऐसी गलती आप कतई मत कीजिएगा, नहीं तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा 100%, ठीक है? तो ये आप गलती मत कीजिएगा, और आप अपना जो कमेंट सेक्शन है उसको भी डिसेबल कर दीजिएगा। इससे आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि इस पर लाइक कितना है, सब्सक्राइबर कितना है, डिसलाइक कितना है एंड कमेंट कितना है। तो ज़्यादा व्यू आता है इस तरह, एंड जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तब भी वो करेंगे आपके चैनल का सब्सक्राइब। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ी भी नॉलेज मिली हो, अगर मिली हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मैं जो टिप्स बताया हूँ तो एक ही वीडियो पर कीजिएगा तो वो मतलब काम नहीं करेगा, बार बार जब कीजिएगा तो ज़रूर काम करेगा ब्रो, जरूर, ठीक है? तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ी भी नॉलेज मिली हो, अगर मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे इंस्टा फॉलो कर लीजिएगा, यूजर नेम मिस्टर आदित्य 73। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।